खुद ही उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, तो किस तरीके से ये आप देख रहे हैं आप आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं धनंजय सिंह से समर्थन लेने के लिए तब जाऊंगा जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तभी भी कहा था, आपने पूछा था कि आप धनंजय सिंह मिले क्या, मैंने कहा अभी नहीं मिलूंगा, जब पर्चा भरने के बाद लास्ट डेट हो जाएगा, जब वो पर्चा नहीं भरेगा तो समर्थन उनका मांगने के लिए जाऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है, आदमी किसका चुनाव लड़ते लड़ते पर्चा भरने के बाद भी समर्थन करता, तो धनंजय सिंह हमारा समर्थन हमेशा थे और कल भी रहेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि धनंजय सिंह मेरा समर्थन कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कृपा शंकर सिंह भी मेरा समर्थन कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतो, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सब सारे लोग मेरा समर्थन करें कि आप चुनाव जीतो। कभी बसपा में आपके साथी थे बाबू सिंह कुशवाहा, आज सामने चुनाव लड़ रहे हैं, घोटालेबाज, एक नंबर के घोटालेबाज हैं, बसपा में रहके बसपा की सरकार में रहके इतने घोटाला किए हैं कि बसपा से निकाले गए, बसपा से निकाले गए, अब कैसे बताओ किस तरह से निकाले गए, धक्के देके निकाले गए, और आज आए हैं गठबंधन में, किसके गठबंधन में आए हैं आपको पता है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में आए हैं, ठीक है, तो आपको आप मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो घोटाला करके आए हैं बसपा से, और सपा की सरकार चाहते बने जो कि असंभव है, सोच रहे कि सपा की सरकार बने और हम घोटालेबाज तो घोटाला करूं, तो उनका कुछ अस्तित्व नहीं है, ठीक है, वोट बैंक जो होगा उनका वो वोट बैंक अपना लेके जाएंगे, यहाँ पे वोट काटने का काम करेंगे, और उनको उनके ही कार्यकर्ता उनका पुतला जला रहे हैं, इसका आपको आपके पास आप पूछे तो मेरे पास सबूत है इसका। जीत को लेकर वो पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीत तो पक्की है, कोई रोक नहीं पाएगा। हवा में मोदी जी ने क्या कहा था, अमित शाह से पूछा गया था क्या कहा, 14 जब हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम क्या करेंगे, किस स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे, गरीब को अमीर बना देंगे, हर आदमी के इंसान के खाते में 14 लाख रुपए होगा, कहाँ गया, अभी वो भी बोलते हैं कि जुमला है, तो 2014 में भी सरकार आई, 2019 में सरकार आई, बार बार वो चीज़ें नहीं होती है, बार बार लोग आपको आजमाते नहीं हैं, अब आप 400 नहीं 40 रखना आपको मुश्किल हो जाएगा। जाति समीकरण कैसे साध रहे हैं यहाँ पर, लगातार देखा जा रहा है कि मैं तो वही कह रहा हूँ, हमारे ऊपर ठप्पा नहीं है, हम इनके अनुयायी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमको सिखाया था कि अगर आप राजा बनने का काम करते हो, अगर आप नेता बनने का काम करते हो, अगर आप अगुवाई करते हो, तो इसमें मत देखो कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, किस जाति का, किस धर्म का है, सबरी का बेर खाने का काम भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था, मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे साथ हर जाति हर समाज के लोग हैं, कोई जाति समीकरण की बात नहीं है। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या तात्पर्य, इसके पहले भी आप कई बार कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज कॉन्फ्रेंस करने का काम एक था, एक तो जो चीज़ों को बताना था करना था, उसके बाद बताना था, तीसरा सबसे अहम मुद्दा था, कुछ लोगों ने मुझे कहा, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने हमसे सवाल किया कि आपने कहा था धनंजय का समर्थन, अभी उनकी पत्नी भी आ गई है, कुशवाहा भी आ गए हैं, तो हमें कोई ये न कहे कि आप बैठ गए क्या, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो क्या, तो मैं आया हूँ कहने के लिए कि मैदान में आया हूँ, और जौनपुर में पहले भी था, अभी भी हूँ, अब तो पार्टी बनाई है, इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा दिलाने का काम करूँगा, जौनपुर से जाऊँगा नहीं, लोगों जैसे रवि किशन आए और चले गए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कृपा शंकर सिंह आए हैं चले जाएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं चले जाएंगे, मैं ही कहने के लिए आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ तो चुनाव भी लड़ूंगा, जौनपुर का विकास करूंगा, मैं आपको पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि 100 यूनिट अगर सांसद होता हूँ तो बिजली माफ करता हूँ जौनपुर के लिए, मैं आपको पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ किसान जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन देने का काम करूंगा, मैं पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा, जो यातायात की समस्या है, मैं पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ खेल का मैदान बदलापुर में बनवाने का काम करूंगा अगर मैं जीत के आता हूँ तो, और अगर देश में सरकार बनती है हमारी, नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार अगर नहीं बन पाई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, सरकार में आते हो यही काम पूरे देश में करने का काम करूंगा मैं। अध्यक्ष जी, एक इंटरव्यू में कृपा शंकर सिंह जी ने कहा था कि ये हवा है, सारे लोग हवा हो जाएंगे, जो हवा रहता है, आपने सूरज और पवन की कहानी सुनी है, सूरज और पवन की कहानी, सूरज को क्या कह रहे थे पवन देवता जी, सूरज भगवान को, कि आप हवा हो, आप कपड़े नहीं उतरवा सकते, हमने बचपन में कहानी सुनी थी, तो जो कहता हवा है ना, तो हवा ही है, वो हवा में आए, हवा में चले जाएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। आप कह रहे हैं कि कृपा शंकर सिंह बॉम्बे चले जाएंगे, आप भी बॉम्बे से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपका काम है, तो कैसे आप कर पाएंगे? कृपा शंकर सिंह एक चीज बता दें, जो जब होम मिनिस्टर थे मैंने दमोदरा में जाके रूम बनवाने का काम किया है, मैं अपने गांव में सड़क बनवाने का काम किया ब्रिज अपने फंड से, अभी मैं सांसद हूँ ना विधायक हूँ ना मंत्री हूँ ना प्रधान हूँ, लेकिन ये होम मिनिस्टर है, जौनपुर वालों के लिए एक काम बता दें,
मैंने बदलापुर की लड़की को अपने विद्यालय में प्रिंसिपल बनाने का काम किया है। मैं जौनपुर लोगों को जौनपुर के बच्चों को बॉम्बे में मेरा स्कूल है फीस माफ करने का काम किया है। कृपा शंकर सिंह एक बता दें, जब होम मिनिस्टर थे हम तो कुछ नहीं थे, हमने सब काम किया है, जगह जगह हमने डोनेट किया हुआ है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आचार संहिता लागू हुई मैं 51 का चेक देके आया, पत्रकार एक एक परिवार को क्योंकि बेचारा वो असहाय है तो उसको मदद करने की जरूरत है। कृपा शंकर सिंह कब गए, जब होम मिनिस्टर थे तब गए थे कि नहीं, अभी बताओ। तो मैं चैलेंज करता हूं कृपा शंकर सिंह को कि उन्होंने जौनपुर में आए हैं, बॉम्बे के नाते आए हैं, बॉम्बे के लोगों को लेके आए हैं और उन्हीं को लेके वापस हवाई। मेरा सवाल ये था कि जीतने के बाद क्या आप यहीं पे रहेंगे या फिर आप भी बॉम्बे चले? मैं कोरोना पीरियड में था जब मैं निर्दल प्रत्याशी था, हार गया था, बुरी तरह हारा था, आपको भी पता है। मैं तब से नहीं गया हूँ, अब क्या जाऊँगा, अब तो मैंने पार्टी बनाई है, अब तो मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। मुझे टिकट चाहिए, मेरा खुद की पार्टी, खुद का टिकट। जौनपुर को पहले विकास करूंगा फिर देश का विकास करूंगा, पहले जौनपुर का विकास होगा फिर देश का विकास होगा, पहले अपने माँ बाप को रोटी खिलाऊंगा फिर गाँव वालों को निमंत्रण दूंगा। माँ बाप को भूखा रखे गाँव वालों को निमंत्रण नहीं दूंगा, पहले जौनपुर का विकास करूंगा फिर देश का विकास करूंगा, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।